नमस्ते, वेलकम बैक टू मयूरीज वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले होममेड मुसेली और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपका जो दिन है ये खाकर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने में और एकदम होलसम बाउल खा के आपका दिन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप ओट्स ले लिए हैं और इसे हम अच्छे से धीमी आँच पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है, देखिए इस तरह से हम इसे भून लेंगे। और अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे निकाल के। देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया है। और साथ ही में हम डालेंगे बादाम। बादाम को भी अच्छे से भून लेना है इस तरह से। देखिए बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है बादाम की रोस्ट होने के बाद। और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे कैशू नट्स और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम भूनने के बाद इन्हें भी बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही जाएगी फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो कितने हेल्दी है। मतलब आप इसके सिर्फ 2 चम्मच स्टार्ट में अगर दिन का स्टार्ट करते हो ना ये खाकर, तो मतलब बहुत ही हेल्दी स्टार्ट होगा और पेट भरा भरा रहेगा और ना ही हैवी है ना ही बहुत ही लाइट है। और साथ ही इसमें जाएंगे ये पम्पकिन सीड्स। इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसका कलर भी देखिए थोड़ा चेंज हो जाता है। और वाह, ये परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे भी एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और इसके साथ जाएगा अखरोट, इसे भी अच्छे से भून लेना है हमें। और भुने हुए अखरोट की खुशबू बहुत ही मस्त लगती है और वो खाने में जो क्रंच है ना वो बहुत मस्त लगता है। जब हम इसे सब एक साथ मिला के जब खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। और आप देखिए ये जो सारे जो चीज़ें हैं ना, हम इसे अच्छे से इसे एक बाउल में शिफ्ट करके मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से मिक्स कर देनी है। और अब इसमें जाएगी साथ ही ब्लैक रेजिन्स जाएगी इसके साथ में। देखिए आप इसके साथ आपकी मनपसंद कोई भी और ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अंजीर भी यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छे से क्रंची इसका जो टेक्स्चर होता है ना वो आएगा हर एक बाइट में। और स्वीट मतलब जो खजूर भी डाल सकते हो आप, और जो नेचुरल स्वीटनर है वो तो मतलब यही है जो फ्रूट्स होते हैं ना, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अब हम इसे बड़े से एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें जाएगा अब हनी। तो अब मैं यहाँ पे शहद का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच जो छोटी चम्मच होती ना उन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और स्पून से मिक्स अच्छे से नहीं होगा तो हाथ से मिक्स कर लीजिए। देखिए और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। पूरा 3 चम्मच मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शहद का। अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि जो चिपचिपा होता है ना मतलब वो हर जगह उसका जो नेचुरल स्वीट है ना वो लग जाएगा। मतलब हर एक बाइट में एकदम टेस्टी लगेगा ये खाने में भी, और टेस्ट के साथ तो हेल्दी कितना है देखिए। और अब मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। जी हाँ, ये नोट आप प्लीज़ एकदम कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे जो नॉर्मल जो कंटेनर में अगर रखोगे तो इसका जो टेक्सचर है ना हर टाइम जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो अब खाना कैसे, राइट? तो इसे ऐसे अपने हिसाब से, मतलब जो एज के हिसाब से होता है ना, तो अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हो ना तो इसे मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच ले लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर बनाना का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह एप्पल और कोई भी आपके जो मनपसंद फ्रूट होते हैं ना उसका यूज़ कीजिए जो स्वीट होता है। तो और इसमें जाएगा 1 चम्मच शहद और साथ ही में जाएगा जो रूम टेम्परेचर का जो दूध होता है ना, रूम टेम्परेचर का मतलब ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, वो इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दीजिए। और फिर खाने के लिए रेडी हो चुकी है हमारा हेल्दी सा बाउल। और देखिए आप हमेशा की तरह ये इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और मयूरीज वर्ल्ड पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतनी हेल्दी हेल्दी और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन का जो बेल होता है ना वो हमेशा ऑन रखिए। और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।